बीएड सेकंड सेमेस्टर, कंपलसरी पेपर थर्ड, यूनिट फिफ्थ, पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट। यह चैप्टर बीएड के छात्रों के लिए, बीएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए और डीएलएड के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज हमारी आप सबकी चर्चा व्यक्तित्व पर होगी। चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व और उसका मापन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के विकास सम्मिलित हैं। तो आइए सबसे पहले हम व्यक्तित्व के अर्थ को समझते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं। यह अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना है। पर्सोना, PERSONA, पर्सनालिटी की उत्पत्ति, यानी पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा, मास्क जिसको आप कहते हैं, MASK। पर्सोना का तात्पर्य व्यक्ति के बदले हुए रूप से है। इसी कारण पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग अपनी बोलचाल, वेशभूषा, रूप रंग, व्यवहार आदि से दूसरों को प्रभावित करने से, दूसरों को प्रभावित करने के अर्थ में किया जाता है। जो व्यक्ति अपने गुणों से दूसरों को जितना अधिक प्रभावित करता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा और प्रभावशाली माना जाता है। सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का तात्पर्य अगर हम समझें तो उन प्रभावक गुणों से व्यक्तित्व का तात्पर्य होता है जो दूसरों पर विजय पाने में सहायक होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे समझें तो व्यक्तित्व पूर्णता का एक आदर्श है, यह आत्मज्ञान है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर व्यक्तित्व को हम समझें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व का तात्पर्य समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है जो कि समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निश्चित करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभावकता के रूप में माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का संबंध वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से है। व्यक्तित्व को हम किसी व्यक्ति के चरित्र से पृथक नहीं कर सकते। व्यक्तित्व के बारे में एक उदाहरण हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से चित्र विभिन्न रंगों का मेल नहीं है, कविता विभिन्न शब्दों का प्रयोग नहीं है, उसी प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति की बुद्धि, चरित्र तथा व्यवहार आदि का योग नहीं है, परंतु कुछ और ही है। व्यक्तित्व में व्यक्ति की आत्मा की छाप रहती है। इस प्रकार से मैंने आपको व्यक्तित्व का अर्थ सामान्य दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश किया। आइए अब चर्चा करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। वुडवर्थ के शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग वुडवर्थ। मन के शब्दों में, मनोवैज्ञानिक का नाम है मन, MUN,
व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। पर्सनालिटी में भी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मॉडल्स ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट एटीट्यूड्स कैपेसिटीज एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स अकॉर्डिंग मन। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है गॉर्डन एलपोर्ट, GW एलपोर्ट इनका पूरा नाम है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण के प्रति एक विशिष्ट ढंग से समायोजन करता है। इन इंग्लिश पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। अब ये एलपोर्ट की जो व्यक्तित्व की परिभाषा है, गॉर्डन एलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा को लगभग अन्य मनोवैज्ञानिकों के लगभग 50 परिभाषाओं के अध्ययन करने के उपरांत यह परिभाषा उन्होंने दिया है। यह परिभाषा इस बात पर बल देती है कि व्यक्तित्व का विकास उसकी व्यवस्थापन क्रिया पर आधारित है। व्यक्तित्व की आवश्यकताएं उसके व्यवहार को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरक होती हैं। लक्ष्य प्राप्ति में यदि एक दो बार भी प्राणी को उसके व्यवहार में असफलता मिलती है तो उसके व्यक्तित्व के सम्यक विकास में बाधा पड़ती है और उसका व्यक्तित्व तब तक व्यवस्थित नहीं होता जब तक कि उसकी इच्छाओं को की दिशा बदलकर उन्हें संतुष्ट न कर दिया जा सके। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें तीन तत्वों में बांटा गया है, तीन विभागों में। पहला आनुवांशिक कारक, दूसरा पर्यावरणीय कारक, तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक। आइए चर्चा करते हैं आनुवांशिक कारक पर। ये तत्व जन्मजात होते हैं, इन तत्वों के कारण व्यक्तित्व में काफी अंतर आ जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर एक, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर दो, सर्वकिंबी ग्रंथि। नंबर तीन, पौष ग्रंथि, गल ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि, जननन ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दूसरे पार्ट में आएगा। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि। जब तक ये ग्रंथियां अपने उचित रूप में कार्य करती रहती हैं, व्यक्तित्व पर उनका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब कभी इनमें से कोई ग्रंथि अपने उचित रूप से कार्य नहीं कर पाती, तब अस्पष्ट रूप से इनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। कुछ मुख्य ग्रंथियां हैं जिनका भी मैंने नाम लिया, जिन्हें आप इस अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे पहली ग्रंथि है सर्वकिमी ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पेंक्रियास कहते हैं, हिंदी में सर्वकिमी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो रस निकलता है, यानी यह ग्रंथि भोजन पचाने में सहायक होती है। इसकी सहायता से मांसपेशियां शर्करा का उपयोग कर लेती हैं। इस रस की मात्रा में परिवर्तन से रक्त में शर्करा तत्व की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इस रस की रक्त में कमी होने के कारण व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ापन आ जाता है।
भय की भावना बढ़ जाती है, मानसिक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये पेंक्रियाज की वजह से होता है। दूसरा पौष ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथ के पृष्ठ भाग से निकलने वाले रस रक्तचाप आदि शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसके अग्रभाग से निकलने वाले रस से अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं की को उत्तेजना मिलती है। यह ग्रंथि शारीरिक विकास प्रभावित करती है। यदि यह ग्रंथि व्यक्ति के बाल्यकाल में सक्रिय हो जाती है तो वह लंबा आदमी होता है और उसका स्वभाव आक्रामक और झगड़ालू होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जब बालक के प्रारंभिक अवस्था में ही अगर एक्टिवेट हो जाती है तो वह बालक लंबा होता है और उसका स्वभाव आक्रामक और झगड़ालू होता है। यदि ग्रंथि यह कम सक्रिय होती है तो व्यक्ति बौना होता है और साथ साथ वह डरपोक तथा कायर होता है। तीसरी ग्रंथि है गल ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह ग्रंथि गले में होती है। इस ग्रंथ के अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति में तनाव, बेचैनी, अशांति, उत्तेजना तथा चिड़चिड़ापन आ जाता है। कम क्रियाशील होने पर व्यक्ति में थकावट, चिंता, मानसिक दुर्बलता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चौथी ग्रंथि है अभिवृक्र ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, ADRENAL। इस ग्रंथ से रस का व्यक्तित्व पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसके रस की अधिकता से पुरुष या स्त्री में पुरुषोचित गुणों की अधिकता हो जाती है। स्त्रियों के अंगों की गोलाई समाप्त हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है और दाढ़ी उगने लगती है। इस रस की अधिकता से रक्तचाप की अधिकता, उदर व आंतों की क्रिया स्थगित हो जाती है। अगली ग्रंथि है, उसका नाम है जनन ग्रंथियां, जिसे सेक्सुअल ग्लैंड्स या गोनाड्स कहते हैं। यह लिंग संबंधी ग्रंथियां होती हैं। लिंग उत्तेजन इन्हीं ग्रंथियों के स्राव के कारण होता है। इन ग्रंथियों को हम प्रजनन ग्रंथियां भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रस के प्रभाव से पुरुषों में पुरुषोचित लक्षण तथा स्त्रियों में स्त्रियोचित लक्षणों का विकास होता है। ये मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो आने वाली ग्रंथियां हैं और वो व्यक्तित्व के पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं उसके बारे में मैंने चर्चा किया। अब अनुवांशिक कारक के अंतर्गत दूसरा तत्व है, उसका नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यवहार का मूल शारीरिक आधार स्नायु संस्थान होता है। व्यवहार की क्रिया समझने के लिए स्नायु संस्थान का ज्ञान आवश्यक है। मस्तिष्क की गठिया हकलाना, तुतलाना, हिस्टीरिया, शब्द बहरापन, शब्द अंधापन आदि रोग स्नायु संबंधी होते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास तथा मानसिक क्रियाओं का संचालन तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने पर ही निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक स्नायु मंडल सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो जाएगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि स्नायु मंडल के विकसित होने से समस्त मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाती हैं। तीसरा है शारीरिक रचना एवं शारीरिक रसायन, फिजिक एंड बॉडी केमिस्ट्री। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसकी शारीरिक रचना तथा शारीरिक रसायन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि शरीर का वाह्य रूप शक्ति सुसंगठित रचना माप उचित अनुपात व्यक्तित्व के अस्पष्ट संकेत नहीं है, किंतु फिर भी वे अस्पष्ट रूप से व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। एक ठीकने कद का बालक या बालिका या एक मोटा बालक या बालिका ठीकनेपन तथा मोटेपन को अभिशाप समझने लगता है। इस प्रकार उस बालक या बालिका में संवेगात्मक
असंतुलन के कारण एक अलग व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, जबकि एक साधारण रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास दूसरी प्रकार से होता है। सुंदर शरीर रचना एवं स्वास्थ्य द्वारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। उसमें श्रेष्ठ भाव एवं आत्मविश्वास के महान गुण विकसित हो जाते हैं। शरीर रचना का व्यक्ति के स्वभाव में भी संबंध पाया जाता है। प्रायः मोटे व्यक्ति प्रसन्नचित्त, आराम पसंद तथा सामाजिक होते हैं और दुबले पतले व्यक्ति संयमी, तेज, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर उसके शरीर के रासायनिक तत्वों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। रक्त की अधिकता व्यक्ति को आशावादी, पित्त की अधिकता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और कफ की अधिकता व्यक्ति को शांत स्वभाव का बनाती है। तंबाकू, चरस, भांग, गांजा आदि सेवन करने वाले व्यक्ति पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। रुधिर में शर्करा की कमी या अधिकता का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक दशा पर निर्भर करता है व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक दशा पर पड़ता है। भोजन के प्रकार तथा विटामिन आदि की मात्रा भी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। चौथा है अन्य जैवीय कारक। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कुछ अन्य जैवीय कारक भी हैं जिनका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ये कारक हैं जैसे लिंग, भेद, बुद्धि, स्वभाव, संवेग, मूल प्रवृत्तियां आदि के भेद के कारण व्यक्तित्व में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई पड़ता है। बुद्धि और विशिष्ट क्षमताएं अधिकांशतः जमजात होती हैं। फिर भी जमजात बुद्धि में पर्यावरण के प्रभाव से एक सीमा तक ही परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्तित्व के विकास में बुद्धि और विशिष्ट योग्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगला पॉइंट है पर्यावरणीय कारक, यानी प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने पहला आपको बताया आनुवंशिक कारक, अब दूसरा है पर्यावरणीय कारक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्राकृतिक अथवा भौतिक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य जलवायु, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति आदि से होता है। प्राकृतिक वातावरण के कारण व्यक्ति के रंग, रूप, शारीरिक गठन, खान पान, लंबाई, स्वस्थ रहन सहन, रीति रिवाज में अधिक अंतर आ जाता है। ठंडी स्वस्थ जलवायु के लोग सुंदर, स्वास्थ्य तथा परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं, जबकि गर्मी यानी गर्म देशों के जो लोग हैं वो अस्वस्थ, आलसी, काले तथा बुद्धिहीन होते हैं। आगबर्न और निमकाफ नामक वैज्ञानिक ने इस आधार पर अपनी एक परिभाषा दे रखी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ एन अकाउंट एज एन इन्फ्लुएंस अपॉन पर्सनैलिटी। इसके बाद इसमें आता है सामाजिक वातावरण। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक भी हैं जो निम्न हैं। नंबर एक, माता पिता का प्रभाव। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तन, मन और धन से प्रयास करते हैं, तो बालक के माता पिता के स्वभाव, चरित्र, व्यवहार तथा पारस्परिक संबंध का बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घर का प्रभाव। यदि परिवार के सदस्य परिश्रमी, चरित्रवान, बुद्धिमान तथा पारस्परिक सहयोग से कार्य करने वाले हैं तो बालक के व्यक्तित्व में इन गुणों का विकास भी बहुत तेजी से होता है। यदि इन गुणों का अभाव है तो बालक में नाना प्रकार के गुणों का भी विकास हो जाता है। पास पड़ोस का प्रभाव। बड़ा होने पर बालक अपने पड़ोसियों के संपर्क में जब जाता है तो अपनी अवस्था के बालकों में खेलने लगता है। गुट का नेता हो जाने पर बालक में नेतृत्व के गुण ही विकसित हो जाते हैं। अच्छे साथी, पास पड़ोसी के संपर्क में आने पर बालक के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और गंदे बच्चों के संपर्क में जाने पर बालक के व्यक्तित्व पर गंदा प्रभाव पड़ता है। इकलौता बच्चा। किसी माता पिता के अगर इकलौता बच्चा है तो उसको उसके माता पिता बहुत प्यार से उसको पालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालक परावलंबी, हठी तथा असामाजिक हो जाता है। इस कारण इकलौते बच्चे का लालन पालन संतुलित ढंग से
माता पिता को करना चाहिए। विद्यालय का प्रभाव, विद्यालय का बच्चे के व्यक्तिगत विद्यालय का बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। योग्य अध्यापकों के संपर्क में आने से बालक का सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास होता है। विद्यालय में खेल कूद, अभिनय, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता आदि में भाग लेने से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। विद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने से उसके अंदर नेतृत्व के गुण का विकास होता है। सामूहिक भावना, आत्मसम्मान और अन्य गुणों का भी विकास विद्यालयों में ही होता है। मनोरंजन के साधनों का प्रभाव, मनोरंजन के साधनों का उचित प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। इन साधनों से यानी बालकों के व्यक्तित्व में कभी कभी ऐसा होता है कि वो मनोरंजन के साधन अच्छे गुणों का विकास बच्चों के अंदर करा देते हैं। इसलिए घर पर या घर के बाहर जब बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है तो वहां पर मनोरंजन के ऐसे साधन उपलब्ध होने जिससे बालक के व्यक्तित्व पर कोई कुप्रभाव न पड़े, बालक के अंदर समाज, जाति, राष्ट्र तथा मानवता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो। जीवन क्षेत्र का प्रभाव, बालक जो जो बड़ा होता है त्यों तो उसका जीवन क्षेत्र बढ़ता जाता है। उस पर नाना प्रकार की वस्तुएं तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है, इसके परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक और मानसिक विकास हो जाता है। बालक का जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो जाने पर वह उसी दिशा में प्रगति करने के लिए भरसक प्रयास करने लगता है। अगला पॉइंट है आर्थिक दशा। बालक के व्यक्तित्व पर उसकी आर्थिक दशा का भी काफी प्रभाव पड़ता है। प्रायः गरीब परिवार के बालक कभी कभी अनैतिक कार्यों के आदि हो जाते हैं और उनमें हीन भावना तथा असुरक्षित भाव विकसित हो जाता है। और बड़े परिवार के जो बालक होते हैं, धनी परिवार के, ज्यादा पैसा जब पा जाते हैं तो वे भी गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके खान पान, रहन सहन पर आर्थिक दशा का भी प्रभाव पड़ जाता है। अगला है सांस्कृतिक वातावरण। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में पलता है वह वैसा ही हो जाता है। व्यक्तित्व पर सामाजिक प्रभावों में संस्कृत का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मैकाइवर व पेज के अनुसार संस्कृति हमारे रहने और सोचने के ढंगों में, दैनिक कार्यकलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन और सुखोपभोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। भारतीय व अंग्रेज मनुष्यों के मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों, रहने सहने तथा सोचने के ढंगों में, धर्म, साहित्य और कला में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह संस्कृत के कारण ही है। इस प्रकार से भारतीयों के लिए आज भी धार्मिक मूल्य सर्वोच्च है, जबकि पाश्चात्य लोगों के लिए साधारणतया भौतिक या मानसिक मूल्य सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सांस्कृतिक कारक भी बच्चों के ऊपर प्रभाव, बच्चों के व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं। अब अगला है, तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से वे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आइए इन बिंदुओं पर हम आप चर्चा करते हैं। पहला है बौद्धिक निर्धारक। बौद्धिक क्षमता का व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के बौद्धिक उपलब्धि के आधार पर ही दूसरे लोग उस व्यक्ति के बारे में निर्णय करते हैं और इस निर्णय से फिर इनका अपना मूल्यांकन प्रभावित होता है, जिससे फिर इसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। विचलित बुद्धि अर्थात सामान्य कम या अधिक बुद्धि के व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दोनों तरह की बौद्धिक क्षमता का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि दोनों तरह के स्तर से आत्मसंप्रत्यय प्रभावित होता है। इस तरह से उनका व्यवहार प्रतिकूल सामाजिक मनोवृत्ति और अनुकूल सामाजिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने में हो जाता है, जो एक प्रकार का बौद्धिक निर्धारक तत्व होता है।